चलिए, माय स्क्रीन इज विजिबल. यस ओके, सर। चलिए. ओके, हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर. क्या नाम से अपन वर्क कर रहे थे बताइए. हेलो, कल कौन सा यूज किया था हमने, और कल कौन सा और यूज किया था हमने. हर्षा ना, नहीं, महेश का नहीं यूज किया था अपन ने. यस सर। पिंकी जीएस एट द रेट 1 2 3 4. चलिए, अदिति, जितने लोग प्रेजेंट रहेंगे ना उन्हीं लोगों को आप मैसेज ये भेजिएगा. ओके, बाकी लोगों को नहीं भेजेंगे आप लोग. अदिति, यस सर, बट सर एलन सर ने बोला है कि मतलब जितने भी लोगों को वीडियो चाहिए वो पहले मुझसे टॉक करेंगे, देन उसके बाद उन्हें वीडियो शेयर होगा। ओके ओके ओके, जो भी है एलन सर को बोल देना. ओके, चलेगा. यस यस, ओके. हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे. तो ओके ओके, मैं करवा देता हूँ तुमको. ओके चलो, अभी विनय ज्वाइन नहीं हुआ यहाँ पे. हेलो राहुल, विनय ज्वाइन नहीं हुआ, वैभव या कोई तो भी था ना. क्यों टाइम है उसको. ओके ओके ओके, चलिए. अभी आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्किंग. एक आध दिन लेट होता है ना, बड़ा लेट ही हो जाता है, सॉरी. देखते हैं हम लोग. वेट अ मिनट, टॉमेट के लिए 2 3 दिन से तबीयत बराबर नहीं है, सो दैट्स व्हाई थोड़ा सा तकलीफ जा रहा है. वेट अ मिनट. वेट अ मिनट. चलिए, ओके, चलिए हम लोग जाते हैं वर्किंग. वेट अ मिनट. चलिए, अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे. लिसन हियर, आपको ये दिख रहा है आपको स्टूडेंट डिटेल. यस, माय स्क्रीन इज विजिबल ऑल ऑफ यू. यस सर। ओके ओके यस सर। ओके, थोड़ी एक्चुअली 2 3 दिन से तबीयत खराब होने के कारण क्या हो रहा है कि थोड़ा सा तकलीफ जा रहा है. कल आज जो सुबह के बैच, 7 बजे के बैच में भी देखा होगा मैंने, बहुत कम बात कर रहा हूँ, है ना. सो प्लीज कंसिडर करो उसको. चलिए, अभी हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा. हम लोगों को देखिए, ये टेबल है, ये बहुत बार पूछा जाता है आप लोगों को. ओके, हमारा परसों के दिन आपका वीएफ पेज खत्म हो जाएगा आपका. ओके, और मैं आपको सैटरडे संडे छुट्टी दूंगा, जो भी बैकलॉग है वो कवर कर लीजिए आप लोग. तो यहाँ पे देखिए, हम लोग इस
इसको बोलते हैं टेबल फॉर्मेट। ये सेल्सफोर्स के अंदर स्टोर्ड है आपका डेटा, ये डेटा है ना आपका, ये कहाँ पे स्टोर्ड है बताइए? ये आपका डेटा स्टोर्ड है सेल्सफोर्स के अंदर। चलो सेल्सफोर्स के अंदर स्टोर्ड है ये डेटा आपका, इज इट क्लियर? तो ये टेबल के फॉर्मेट में स्टोर्ड है। टेबल मतलब क्या होता है? रोज एंड कॉलम, दिस इज योर रो एंड दिस इज योर कॉलम, समझ में आ रहा है आपको? तो सेल्सफोर्स के अंदर जो डेटा स्टोर होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड्स बोलते हैं। और रिकॉर्ड्स किस फॉर्मेट में स्टोर होता है? टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है। टेबुलर फॉर्मेट मतलब रोज एंड कॉलम्स, दीज आर द रोज एंड दीज आर द कॉलम्स, ओके? इसके अंदर स्टोर होता है वो, उसको हम लोग बोलते हैं टेबुलर ऑपरेशन, समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड एज अ टेबुलर ऑपरेशन। अभी हम लोग देखते हैं टेबुलर ऑपरेशन कैसे वर्क होता है, क्या वर्क होता है। तो ये हम लोगों को विजुअल पेज में बनाना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, विजुअल पेज में बनाएंगे। और कल अपन इसके साथ कोडिंग पढ़ेंगे, तो कोडिंग थोड़ी सी टेक्निकली स्ट्रांग रहती है, तो थोड़ा प्रिपेयर्ड होके आप लोग रहेंगे। आप लोग क्लियर हो गया आपको? तो इस तरह से अपन कोडिंग देखेंगे यहाँ पे और हम लोग वर्किंग करेंगे। तो सैटरडे संडे आपको 2 दिन में छुट्टी दूंगा आप लोगों को, तो उस वक्त किसी का कुछ बैकलॉग होगा तो अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा, ओके? तो ये रहेगा आप लोगों का। तो ये अपने को बनाना है भाई इन विजुअल पेज, समझ में आ रहा है क्या? ये अपने को बनाना है विजुअल पेज के अंदर। चलो अपन बनाना चालू करते हैं। समझ में आया कि आपको क्या बनाना है? आज टेबल में बनाना है अपने को, यस सर। ओके? ये अपन बनाते हैं हम लोग। चलिए अपन हाँ चलिए अपन जाते हैं, इसका वर्किंग करते हैं हम लोग और हम लोग उसको बनाते हैं टेबल को। चलिए तो हम लोग वेट अ मिनट, हम लोग बनाएंगे वर्किंग प्रोसीजर, चालू करते हैं हम लोग, ओके? अब मैं आपको क्लियर करूंगा, आधा पौन घंटा लगेगा आपको, बट देखते हैं हम लोग। चलिए इसको डुप्लीकेट्स में लेके जाते हैं हम लोग, 2-3 डुप्लीकेट्स बना के रखिए इसको। चलिए एक उठा लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लेके जाएंगे हम लोग, बना लेते हैं हम लोग। नाम भी बराबर रखिएगा आप लोगों के, एपेक्स स्लैश देंगे हम लोग। अभी अपन को देखते हैं कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पेज टेबल क्रिएट करेंगे डेमो, ओके? ये गलत लिखा है मैंने, तो पी कैपिटल कर देते हैं हम लोग इसको, कभी भी याद रखेगा ये, वो देखते हैं आप क्या कर रहे हो, तो सी कैपिटल रहेंगे, हर वर्ड कैपिटल रहना चाहिए, डी, हाँ। चलिए देखिए, इट इज ऑलवेज कैपिटल लेटर। चलो ये हो गया आपका, इसको क्लिक करेंगे हम लोग। चलिए आ गया आपका, ये बटन को क्लिक करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा अभी रन होना चाहिए, बस कभी कभी रन नहीं होता है। चलिए ये आ गया आपका, इसको थोड़ा सा ऊपर करने, नहीं हुआ ऐसा तो देख लो, यहाँ पे आ गया, तो इसको अपन निकाल देते हैं हम लोग, डिलीट इट और कंट्रोल एस कर देना आप लोग, अब इतना तो आ जाता है ना आप लोगों को, ओके? यस सर। चलिए ये आ गया आपका। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, मुझे कॉन्टेक्ट का रिकॉर्ड लेके आना है, कॉन्टेक्ट का, ये न्यू जाते हैं ना हम लोग, ये न्यू, ध्यान दो रे, ये कॉन्टेक्ट के अंदर अपने को क्या लेना है, इसका लास्ट नेम ले लेते हैं हम लोग, समझ में आ गया आपको? उसके बाद हम लोग उसका फोन नंबर लेते हैं, उसके बाद हम लोग और क्या लेना है इसमें से, एक देख लो आप लोग, ईमेल आईडी ले लेते हैं, चलेगा आपको? टाइटल ले लेते हैं, अरे यस और नो, यस सर। पहले क्लियर करो क्या करना है, तो ओके? हाँ ले सकते हैं, चलिए हम लोग पिक लिस्ट भी ले सकते हैं। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टेबल बनाना है अपने को, ध्यान दो यहाँ पे। चलिए अपन इसको यूज करते हैं हम लोग, ये अपने को टेबल बनाना है, टेबल बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, इसका फर्स्ट नेम लेंगे, मिडिल नेम लेंगे, लास्ट नेम लेंगे, ईमेल आईडी लेंगे और मोबाइल नंबर लेंगे। चलो ये 5 फील्ड अपन लेते हैं टेबल के फॉर्मेट में, अपन आज अपने को टेबल डिजाइन करना है। तो मैं किसके साथ काम करूंगा, ध्यान दो, मैं किसके साथ काम करूंगा, इज इट क्लियर? मैं काम करूंगा स्टूडेंट डिटेल के साथ। चलिए हम लोग जाते हैं, ओके? लेकिन मैंने कॉन्टेक्ट नाम लिखा हुआ है, तो अपन नया बना लेते हैं, चलेगा? नया बना लेते हैं हम लोग, ओके? इसको निकाल देते हैं हम लोग, स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देते हैं पेज डेमो, ओके? एंटर कर देते हैं, नया नया लिखना है तो लिख लो यार, टेबल लिखो,
नाम है ना आपका, आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, पेज टेबल, ये तो आपका नेम कन्वेंशनल है ना, आपको ये आपका रिलेटेड होना चाहिए, बस ध्यान दीजिएगा। इंटर कर देते हैं हम लोग, आ गया आपका। चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट है क्या? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। कंट्रोल एस, ये हो गया। और कुछ मैं आप लोगों को ये भेज दूंगा, चलेगा आपको? वर्ड फाइल भेजूंगा तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना आप लोग, कोई तकलीफ नहीं ना? चलिए ओके, चलिए अपन ये कर देंगे यहाँ पे अपेक्स। अब मुझे किसके साथ काम करना है, उसके लिए मैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट लगा, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लग देंगे। इसका नाम लिखना है मुझे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाजू में क्लिक करेंगे। यस, स्टूडेंट के साथ काम करना, तो मुझे और एक मैंने ये कर दिया था, ये मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ, मैंने और डुप्लीकेट में चला गया। और यहाँ पे जाएंगे हम लोग, डेटा एक्सपोर्ट कर देते हैं हम लोग, ये याद रखना आप लोग। ओके, ये स्टूडेंट डिटेल पहले से बना है, इसको उठा लेंगे हम लोग। कंट्रोल सी, इज इट क्लियर? ये देखिए आप लोग, ओके इसको उठा लेंगे हम लोग। और याद, ध्यान दीजिएगा, ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, ये रहेगा आपका इस तरह से, मैं आपको बताने के लिए बोलता हूँ। अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे रिकॉर्ड वेयर क्या है, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, आप लोग ये मत कीजिए कुछ, मैं मुझे पहले कोडिंग बनाने दो, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। कल की प्रैक्टिस हो चुकी है ना लेकिन आपकी? यस सर। अभी एक्सक्यूज मत करना है यहाँ पे। हाँ, जॉब नहीं चाहिए तो अलग बात है। चलिए एंटर कर देते हम लोग। टैब कोलन पेज ब्लॉक एंटर, यहाँ पे अपन टाइटल दे देंगे। क्यों नहीं आ रहा है पेज ब्लॉक? कभी ये नहीं आया ना तो समझ जाना अपना कुछ गलत हो रहा है। टाइटल इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको सिंगल कोट में देना पड़ेगा, डबल कोट में यहाँ पे नाम दे देंगे हम लोग। रिकॉर्ड, ओके ये हो गया आपका। एंटर कर देते हम लोग, ये बराबर कन्वेंस बराबर लिखना रही ये चीजें। अपेक्स में लिखेंगे हम लोग पेज ब्लॉक, पेज ब्लॉक सेक्शन। ओके एंटर कर देते हम लोग इसको। ऐसा आया ना तो अच्छा लगता है अपने को। ओके, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे टाइटल दे देते हम लोग, और यहाँ पे देखें स्टूडेंट टेबल, चलिए ये रहेगा। कंट्रोल एस कर देते हम लोग। क्या बोल रहे हो? वेट ए मिनट, कंट्रोल एस। चलो एक मिनट, चलिए एक मिनट। कंट्रोल यहाँ पे अपन, आज मालूम नहीं यार क्या दिमाग हो रहा है। एक मिनट,
सर वो जो रिकॉर्ड सेट वायर लगा है उसका वैल्यू भी तो पुटअप करना पड़ेगा। नहीं, वो गलत हो गया मैं। यार आज क्या हो रहा है मालूम नहीं। एक मिनट। हाँ वेट अ मिनट। मुझे लिखने की जरूरत नहीं, पढ़नी चाहिए, इसलिए कॉपी कर रहा हूँ। कंट्रोल सी। चलिए यहाँ पे डेमो है आपका, एंटर कर देते हम लोग। वही चालू कर दिया इसने। वैसा नहीं, वो अलग है, वो कॉन्सेप्ट ही अलग है, इसलिए आप उसको टेंशन मत लीजिए। वो मैंने बताया ना आपको, वो अलग ही है आपका। डुप्लीकेट में जाते हैं, वो लोड मत लीजिए उसको, वो अलग ही है। वो हम लोग स्टैंडर्ड कंट्रोलर के साथ काम कर रहे, तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के साथ भी काम करना पड़ेगा ना अपने को, है कि नहीं? यस और नो, समझा क्या? यस ओके। हाँ, और हम लोग स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, स्टैंडर्ड कंट्रोलर ले रहे हैं, उसके अंदर अपन ऑब्जेक्ट यूज कर रहे सर, हैं का ए कस्टम। स्मॉल। चलता है, देखते हैं अभी आ जाए, कर सकते हो, उसके लिए अलग होता है ना, इसलिए मैंने आपको बोला था ना, उसके लिए मैं बताऊंगा आपको। होता है, लेकिन आज क्यों नहीं हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक आधी निकल जाता है सही। ये देखो सब एरर आते जाएंगे, हर जगह पे एरर आएंगे। देखते, ए को स्मॉल कर देते हैं। कभी होता है ऐसा, टेंशन में गए। एक दिन तो ऐसे ही हुआ था, अभी बनने के बाद वो आपको देखेंगे ना बनता कि नहीं बनता, ये भी देखो। डुप्लीकेट लेवल फॉर डेबल लेवल, आज क्या हो रहा है भगवान जाने। आज आज बोल रहा है कि क्लास मत लो करके। अरे मालूम नहीं ना क्या हो रहा है आज। होता है, एक दिन आता है बेटा। एक बार तो ऐसे ही हुआ था, मालूम है क्या, हम लोग डिप्लॉयमेंट कर रहे थे ना, तो 3 दिन के बाद वो आर्क बना हमारा। अब 3 दिन लड़कों को छुट्टी देना पड़ा मुझे। वो आर्क बने, वो डिप्लॉयमेंट में सैंडबॉक्स बनेगा ही नहीं, तो मैं डिप्लॉयमेंट कैसे करूंगा। ऐसा रहता है कभी कभी, 3 दिन छुट्टियां मिली थी, होता है वो कभी कभी। अकाउंट पेज टेबल देते हम लोग, एंटर करते हैं। वेरी गुड, क्लिक करते हैं हम लोग। वेरी नाइस, आ गया यहाँ पे डिलीट इट, कंट्रोल एस। देखो अभी अपन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट यूज करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ स्टूडेंट डिटेल अंडरस्कोर डिटेल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, कंट्रोल एस करता हूँ। अभी लेता क्या, चेक कर, चलो अभी ले रहा है वो, तब क्या हो रहा था भगवान जाने इसको। ओके, रिकॉर्ड रिकॉर्ड सेट, यहाँ पे लिस्ट कंट्रोल एस ले रहा है अभी। ये देखो मैजिक, अब क्या समझेंगे अभी समझ जाओ। ओके चलिए,
ले रहा नहीं था ना ये स्टैंडर्ड कंट्रोलर, अभी ले रहा है वो। अब वो वैसे ही रहता है, कभी किसी सेलफोर्स का मूड भी रहता है यार, क्या करेंगे इसको। क्योंकि क्लाउड का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स है, वी आर डिपेंडेबल, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फॉर्म एंटर टैब, आप यूज करेंगे एपेक्स कोलन पेज पेज ब्लॉक। ओके, यहाँ पे एंटर करते हैं हम लोग टाइटल, दे देंगे यहाँ पे, या दिया अकाउंट नेम, या दिया, चलो देखते हैं हम लोग। अपन कांटेक्ट का ही बना देंगे क्या, यहाँ पे चलेगा? अकाउंट का ही बना देते हैं ना, अकाउंट का है तो आप प्रैक्टिस कर लेना, ज्यादा तकलीफ जाएंगे नहीं तो, नेम कन्वीनियंस कन्वेंस तकलीफ जाएंगे। रिकॉर्ड, चलिए एंटर करते हैं हम लोग। क्लियर हो रहे क्या आपको ये? नहीं तो मैं अपनी इससे बना रहा हूँ यहाँ पे। ओके, हाँ यस, एपेक्स पेज ब्लॉक सेक्शन। ओके, यहाँ पे भी टाइटल दे देते हम लोग। देखो कभी आता है कभी नहीं आता है टाइटल, इक्वल्स टू अकाउंट रिकॉर्ड टेबल, अकाउंट रिकॉर्ड टेबल डबल कोट। चलिए कंट्रोल एस करते हैं हम लोग। आ गया ये, दिख रहा है आपको? इतना क्लियर हुआ कि आपको बताइए। अभी अपने को टेबल फॉर्मेट बनाना है। चलिए अपन जाते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं हम लोग एपेक्स पेज ब्लॉक, मैं आपको समझा देता हूँ, टेंशन मत लीजिए। ओके, पेज ब्लॉक टेबल, यहाँ क्लिक करेंगे हम लोग। वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू दे देंगे यहाँ पे, का सब मतलब मैं समझाता हूँ, आप टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम बराबर हो गया तो बाकी का आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। और आपको इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा, कोई और एक्स्ट्रा पूछा नहीं जाएगा, इतनी मैं कॉन्फिडेंस आपको देता हूँ। बराबर यही करके, ज्यादा पढ़ के मत जाओ आप लोग। ओके सॉरी, एपेक्स कोलन चलिए यहाँ पे देते वैल्यू का मतलब मैं समझा देता हूँ। ओके, इक्वल्स टू वैल्यू डॉट नेम, फर्स्ट नेम नहीं ना मैम, नेम रहेगा ना आपका? ओके, नेम रहेगा ना आपका? मैं क्या क्या देता हूँ आपको बता देता हूँ। अकाउंट के अंदर नेम ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसका रेटिंग ले लेंगे हम लोग, उसका बैंक इंडस्ट्री ले लेते हैं और बैंकिंग ले लेते हैं, चार ले लेते हैं, चलेगा आपको? दूसरा ले लेते हैं रेटिंग। तो ये मैं पेज आपको भेज दूंगा, और कल का पेज नहीं भेजा ना मैंने आपको? यस, वो कल का भी पेज भेज दूंगा आपको। नहीं लेकिन वो अच्छा, मतलब वो राइटिंग करके भेज देता हूँ आपको। यहाँ पे रहते हैं इंडस्ट्री। ओके, तीसरा दे देते हैं हम लोग यहाँ पे ओनरशिप, नाम बराबर है क्या चेक कर लो आप लोग। ओके, सेटअप में जाके
मैं आपको समझा देता हूँ, कोई इसका मैजिक लॉजिक नहीं है, तो मतलब लॉजिकली मैं समझा देता हूँ, उसका टेंशन मत लीजिए आप लोग। कैसे वर्क फ्लो होता है मैं पूरा बताता हूँ आपको, थोड़ा टाइम दीजिए मेरे को। इसी को ही इतना टाइम लगता है अकाउंट। कहाँ पे जा रहा हूँ पता है ना आपको, मैं क्या कहाँ पे जा रहा हूँ? फील्ड एंड रिलेशनशिप में चेक कर रहा हूँ इंडस्ट्री का नाम क्या है, ओनरशिप का नाम क्या है। ओके, मैंने अकाउंट नेम लिया था, ध्यान दो रे, अकाउंट नेम लिया था, नेम ले लिया मैंने उसका। बाद में दूसरा क्या लिया था मैंने बताइए, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मैंने ले लिया। कंट्रोल सी लेके जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे इसमें डाल देता हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए बस। उसके बाद अपन जाते हैं कौन सा क्या लेना था इंडस्ट्रीज के बाद, ओनरशिप, ये दे। ओके, जो ओनरशिप वो रेटिंग का तो स्पेलिंग पता है मुझे, ये देखते हैं हम लोग। कंट्रोल भी चलो हो गया आपका, कंट्रोल एस करते हैं हम लोग। आगे आपका देखिए नसीब है, ये आता ही नहीं, बहुत जनों को आएंगे ही नहीं। देखो यहाँ पे यहाँ रहेगा गौरी शंकर पीपीपी, ये देखो रेटिंग है, इंडस्ट्रीज है, ओनरशिप है। आगे आपको ये इज इट क्लियर, क्लियर हुआ क्या आपको? यस, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना दिख रहा है, देखो अकाउंट के ऊपर कितना दिख रहा है, यहाँ पे चार लोग दिख रहे हैं। इसको ऑल करो आप लोग, ऑल अकाउंट करो, पूरे आ जाएंगे यहाँ पे अकाउंट। ओके, इसको रिफ्रेश कर दो एक बार। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश कर देना। पूरे आ जाएंगे, दिख रहा है आपको यहाँ पे, वहां जैसे दिखेगा वैसे यहाँ दिखेगा। इतना क्लियर हुआ कि आपको? ओके, मुझे तो अभी मैं बताता हूँ कैसे क्या यस होता है, सर, इसका ऑपरेशन कैसे होगा ये मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, तो ये आपको एपेक्स पेज पता है, ये पेज क्रिएट किया उसने, इतना तो क्लियर हो गया आपको, इतना समझा। ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, स्टैंडर्ड कंट्रोलर क्या करता है, बताता है कि भाई तुमको ये वीएफ पेज के अंदर, ये मेरी वीडियो है, ये वीएफ पेज के अंदर मुझे अकाउंट नाम के रिकॉर्ड को, अकाउंट नाम के ऑब्जेक्ट को लेके आना इस वीएफ पेज के अंदर। क्लियर हो गया आपको? अपन एक पेज ब्लॉक बना दिया, उसका नाम अकाउंट रिकॉर्ड रखा। बाद में एक सेक्शन बनाया हम लोगों ने, उसका नाम रखा अकाउंट रिकॉर्ड टेबल रखा है मैंने, देखो यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक टेबल फॉर्म किया। टेबल कौन सा फॉर्म किया, यही वाला टेबल, देखो ये दिख रहा है आपको। यस, ये टेबल मैंने अपने वीएफ पेज के अंदर फॉर्म किया आपका, समझ में आ रहा है? उसके लिए मैंने क्या यूज किया, एपेक्स पेज ब्लॉक, ये देखो एपेक्स पेज ब्लॉक लिख रहा है आपको। ये एपेक्स पेज ब्लॉक से क्या होता है, आपका पूरा टेबल बन गया। ये टेबल जो दिख रहा है ना, वो टेबल बन रहा है। टेबल में रोज और कॉलम रहते हैं ना, यस और नो? तो अभी मुझे क्या करना यस है, इस सर, टेबल के अंदर रोज और कॉलम रहते हैं, तो मुझे कॉलम देना है आपको। तो यहाँ पे देखिए एपेक्स डॉट कोलन, तो ये कॉलन मैंने चार दिए, 1 2 3 4, तो ये चार कॉलन आपको बन गए यहाँ पे, समझ में आ रहा है? मुझे और लग रहा है कि मेरे को और कॉलन चाहिए, कंट्रोल सी, और एक कॉलन दे देता हूँ, कंट्रोल वी, दे दिया यहाँ पे। और मैं यहाँ पे देता हूँ SIT, SIT साइट, कंट्रोल एस कर देता हूँ। देखो 1 2 3 4 5, तो ये कॉलम आ गया आपके। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ पहले, यस जस्ट टेल मी ऑल ऑफ यू। सर, यस सर, ये बाकी के लोग 1 1 0 10 यस बैच, नेहा महेश, समझ में आ रहा है क्या? कृतिका कोमल, हेलो यस सर, महेश, समझ में आ रहा है? यस प्रिया फटीक, ओके ओके, चलिए सर, बाकी लोगों को, बाकी आप लोगों को समझ में आ रहा है आपको, किसी को तकलीफ नहीं ना? चल चलिए, वेरी गुड। ये देखिए आप लोग अभी देखिए, इतना क्लियर हुआ क्या आपको, ये पेज लेआउट पेज ब्लॉक क्या करता है, इतना क्लियर हो गया आपको? अभी हम लोग देखते हैं इसका वर्किंग सर कैसे। वो वेर इक्वल्स टू ACC वो मैं कहाँ बता रहा से हूँ, ली? बताता हूँ मैं अभी। ये क्लियर हो गया क्या मुझे, टेबल कैसे बनता है, ये पेज ब्लॉक टेबल से बनता है, यस क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? अब ये क्या होता है मैं समझा देता हूँ, लोड मत लीजिए। इसके बाद में 1 2 3 4 5 कॉलम, अपने को कॉलम देखने हैं ना यहाँ पे, तो कॉलम इससे बने, 1 2 3 4 5 से। ओके, अभी अपन देखते हैं कि ये रिकॉर्ड सेट क्या करता है, बाद में यहाँ पे ये ली वैल्यू क्या वर्क करता है, और ये वेयर क्या करता है वो देखेंगे बाद में। अभी यहाँ पे देखिए एपेक्स कोलन वैल्यूज दिया हुआ है, वैल्यूज, ये देखो ये वैल्यूज दिया अपन ने, तो ये इसमें कौन सा वैल्यू आना चाहिए,
अकाउंट ना नेम आना चाहिए, रेटिंग आना चाहिए। तो अभी मैं इसको पूरा कन्वेंस करके आपको बता देता हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे बताएंगे हम लोग। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, रुकिए अभी। चलिए ये मैंने आपको दिया हुआ है, ओके। यही भेजा है ना कल का आपको मैंने, हमने। हेलो, ओके। देखो ये आपको बनाने के लिए बोला था, वीएफ पेजेस अकाउंट का, और एक दूसरा वीएफ पेज बनाने के लिए बोला था अपॉर्चुनिटी का। चलिए उसके बाद हम लोगों ने, वेट ए मिनट, अच्छा चलिए ये डायग्राम दिख रही है क्या आपको? चलो ये अपने को डायग्राम को मैं अभी समझा देता हूँ, ओके। थोड़ा टाइम लगेगा, अभी अपन देखते हैं यहाँ पे। चलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, तो चलिए ये आपका आपका सेल फोर्स है जहाँ पे आपका रिकॉर्ड स्टोर्ड है, ध्यान दो रे। ये आपका सेल फोर्स है। एक टॉपिक भी क्लियर हो गया ना आपको, बाद में कुछ तकलीफ नहीं आएगा। सेल फोर्स सर्वर रहेगा आपका, यहाँ पे आपका डेटा है, म्यूट करो। यहाँ पे आपका टेबल के फॉर्मेट में रिकॉर्ड है, ओके। टेबल के फॉर्मेट में रिकॉर्ड है आपका, ये टेबल के फॉर्मेट में रिकॉर्ड है आपका। ओके यस, आपका रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड में बता देता हूँ कौन सा रहेगा। तो आपका ये वाला जो सेलफोर्स के अंदर जो रिकॉर्ड दिख रहा है ना आपका, वो रिकॉर्ड मतलब आपका, ध्यान दीजिएगा, वो आपका रिकॉर्ड मतलब ये वाला रिकॉर्ड है। ये वाला जो दिख रहा है ना रिकॉर्ड, वो वाला रिकॉर्ड है। ये क्योंकि ये रिकॉर्ड सेलफोर्स का रिकॉर्ड है, तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए? ओके इतना समझा क्या? अब मुझे क्या करना है, ये विजुअल पेज है आपका। विजुअल पेज के अंदर, विजुअल पेज ये मेरा विजुअल पेज है। अब ये विजुअल पेज के अंदर मुझे वो टेबल को डिस्प्ले करना है, ध्यान दो। ये विजुअल पेज है, ये मेरा विजुअल पेज है। कौन सा? दिस वन। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ कंट्रोल जेड, ये मैं नाम दे देता हूँ विजुअल पेज। ये मेरा विजुअल पेज है, पीएफ पेज। इसके अंदर मुझे इसको, ये टेबल, ये वाले टेबल को डिस्प्ले करना है। कहाँ पे? ये टेबल को मुझे विजुअल पेज के अंदर डिस्प्ले करना है। इज इट क्लियर? ये मैंने डायग्राम में ड्रॉ दिया हुआ है आपको, देखिए डिस्प्ले करना है मुझे। अभी कैसे करता हूँ मैं बताता हूँ आपको, ओके। तो यही टेबल मुझे डिस्प्ले करना है यहाँ पे, तो उसके लिए मैंने ये कोड लिखा हुआ है। देखो ये वाला टेबल जो दिख रहा है ना आपका, ये टेबल मतलब कौन सा आपका? इतना टाइम ले रहा हूँ लेकिन एक टॉपिक समझ में आ गया। तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो कुछ मतलब नहीं रहेगा आपको। ट्राई करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ये रहेगा आपका। तो ये टेबल में मुझे ये वाला डेटा यहाँ इस टेबल में लेके आना है। कौन सा टेबल है वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। चलिए यहाँ पे देखिए, दिख रहा है आपको ये टेबल? ये टेबल मतलब वीएफ पेज का टेबल है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए? तो ये यहाँ का डेटा यहाँ पे लेके आना है, वीएफ पेज के अंदर लेके आना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये कोड बनाया, यस और नो? अरे ये कोड बनाया ना मैंने, हमने हमने ये कोड बनाया ना। चलो मैं बता देता हूँ ये कोड कैसे बनाया। तो चलिए वेट अ मिनट, इसको कॉपी कर लेते हैं, लेके जाते हैं हम लोग। मैं भी एक एक टॉपिक समझा के देता हूँ यहाँ पे। कंट्रोल वी, चलिए ये देखिए। अब देखिए क्या होता है, तो लिसनिया
ओके, तो मैंने क्या किया, ये आपका सेल्सफोर्स में रिकॉर्ड है, यो मुझे वीएफ पेज में लाना है। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? तो मैंने वीएफ पेज के अंदर टेबल बनाया, तो टेबल मैंने किसके थ्रू बनाया, देखो ध्यान दीजिएगा, मैंने टेबल बनाया यहाँ पे, देखो मैंने टेबल बनाया ये पेज ब्लॉक टेबल से, दिख रहा है आपको, इससे मैंने टेबल बनाया, और इससे मैंने क्या किया, कॉलम बनाया। इतना क्लियर हो गया? और एक मैंने टेबल का स्ट्रक्चर बना के रख दिया। समझ में आया कि आपको इतना क्लियर किया? बताओ मुझे, यस सर। उसके अंदर मुझे कितने कॉलम यूज करना है? 1 2 3 4 5, मैंने 5 कॉलम बना दिए, 1 2 3 4 5 बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, क्लियर हो गया? ऊपर जो नाम देना था वो पेज ब्लॉक से नाम दिया, वो छोड़ दीजिए, ये ले लिया। अब मुझे क्या करना है, सेल्सफोर्स के अंदर का डेटा मुझे यहाँ पे लेके आना है। ओके, जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला डेटा, इसके अंदर जो डेटा है ना, ये वाला डेटा मुझे कहाँ पे लेने के लेके आना है, मुझे यहाँ पे लेके आना, तो उसके लिए मैंने कोडिंग की है, तो अभी देखते हो कैसे करते। तो चलो ध्यान दीजिए, इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए। हेलो, समझ में आपको? हाँ, यस सर। अभी सबसे पहले देखते हो, तो ये पेज लेआउट है आपका, पेज ब्लॉक स्टैंडर्ड अकाउंट के साथ काम करे, ये देखो अभी देखते हम लोग, रिकॉर्ड सेट वैल्यू, ये क्या करता है आपको बताता हूँ। ओके, अब देखो डेटा आपका कहाँ पे मुझे बताइए, डेटा आपका सेल्सफोर्स के अंदर है, अकाउंट के अंदर है। ओके, तो वो डेटा पहले अपन क्या करेंगे, वीएफ पेज में लेके आना है, वीएफ पेज में लेके आना है, तो ये रिकॉर्ड पूरा कर, इस टेबल के अंदर जितना डेटा है ना, वो डेटा अपन पूरा खींच के लेके आएंगे। ओके, और ये रिकॉर्ड पूरा खींच के लेके आके, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा खींच के लेके आके अपन ये रिकॉर्ड सेट के पास देते हैं। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो ये देखिए, तो यहाँ का जो अकाउंट का जितना रिकॉर्ड है, 25 30 जितने भी क्या हो गए आपके रिकॉर्ड्स होंगे, ये रिकॉर्ड्स किसके पास आएंगे, रिकॉर्ड सेट वेयर के पास आ जाएंगे, और वो सब वैल्यू आ जाएंगी इसके पास, सेट एक्सेस लिस्ट एसीसी के पास। समझ में आ गया आपको? एग्जाम्पल तौर पे मैं बताऊँ क्या, ये एक आपका कप है, ये एक आपका एक जार है। ओके, तो ये पूरा डेटा इसके अंदर आ जाएगा, और ये जार का नाम है आपका लिस्ट एसीसी, तो रिकॉर्ड सेट, क्योंकि देखिए मुझे सेल्सफोर्स का रिकॉर्ड पूरा वीएफ पेज के अंदर लाना है, तो मैं क्या करूंगा, वीएफ पेज में लाना है, तो सेल्सफोर्स का रिकॉर्ड मैं क्या करूंगा, अकाउंट का रिकॉर्ड मुझे वीएफ पेज में लाना है, तो सबसे पहले ये रिकॉर्ड सेट वैल्यू जो होती है ना, उसके अंदर मैंने वे सब डेटा लेके आया, इसके अंदर 25 रिकॉर्ड होगा अकाउंट का, वो पूरा रिकॉर्ड कहाँ पे आ जाएगा आपका, ये लिस्ट एसीसी के पास आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ? समझा यस कि नहीं सर। समझा? मॉर्निंग बैच अपूर्वा, यस 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 सुवर्णा मैम, इसके ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये एट्रीब्यूट्स आपके स्टैंडर्ड होते हैं, रिकॉर्ड सेट वेयर ये यूज करना पड़ता है। रिकॉर्ड सेट वेयर क्या करता है, रिकॉर्ड, हाँ नहीं, ये तो अपन नाम दे सकते हैं ना, ये कुछ भी नाम दे सकते हैं आप लोग। ओके, अकाउंट के रिलेटेड था ना, इसलिए अकाउंट लिया अपन ने। तो ये सेट रिकॉर्ड सेट क्या करता है, सेलफोर्स के अंदर अकाउंट का जो डेटा आता है ना, वो अपन ने लेके आया, और उसको रखने के लिए मैंने लिस्ट एसीसी नाम दिया हुआ है, लिस्ट में लेना पड़े। ओके, ये रिकॉर्ड सेट वेयर जो रहता है ना, वो एक लिस्ट ही रहती है, इसका नाम मैंने लिस्ट एसीसी लिखा है। मैं लिख सकता था ना यहाँ पे लिस्ट की जगह पे सुवर्णा मैम भी लिख सकता था मैं, वो तो अपना नेम है। समझ में आ गया आपको? इतना क्लियर हुआ कि मुझे बताओ, रिकॉर्ड सेट वेयर अपूर, बाकी समझ में आ गया? चलिए ओके, इधर आप लोगों को समझा क्या, कृतिका, सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके ओके, अनुराधा समझ में आ गया आपको? चलो रिकॉर्ड आ यस गया सर। आपका, चलिए इतना रिकॉर्ड आ गया, मतलब ये पूरे पॉट में सेल्सफोर्स से अपने पूरे रिकॉर्ड निकाल के वीएफ पेज के अंदर ला लिए। 25 रिकॉर्ड किसके पास आ गए, ये अपने लिस्ट एसीसी के पास 25 रिकॉर्ड आ गए के बाद, मतलब इसके पास पूरे 25 रिकॉर्ड अपने पास आ गए यहाँ पे। यार ये 25 रिकॉर्ड इसके पास आ गए, ध्यान दीजिएगा, आ गए आपके। अब मुझे इस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है एक एक रो वाइज, है कि नहीं? तो अब देखिए क्या होता है, तो ये पेज ब्लॉक क्या करेगा, ये पेज ब्लॉक क्या करेगा, ये स्ट्रक्चर डिजाइन किया पेज ब्लॉक ने, किया क्या? ओके, अब ये स्ट्रक्चर तो डिजाइन कर दिया, ओके डिजाइन तो कर दिया, अब इसके अंदर वैल्यूज चाहिए ना, तो वो जो वीएफ पेज के अंदर लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज आई थी ना, इसके पास जो वैल्यू आई थी ना, वो वैल्यू किसके पास आ जाएंगी, तो यहाँ से वो वैल्यू आ जाएंगी पेज ब्लॉक के पास। देखो
इसके पास आ जाएंगे, पेज ब्लॉक के पास आ गया, इसलिए मैंने वैल्यू इज इक्वल टू ये लिखा एक्सक्लेमेटरी साइन लीस्ट ACC, इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ। तो 25 रिकॉर्ड पहले रिकॉर्ड सेट के पास आ जाएंगे और रिकॉर्ड सेट से वो वैल्यू किसके पास आ जाएंगे, पेज ब्लॉक के पास आ गए, आ गए इस पेज ब्लॉक के पास, इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ। ओके, अब 25 रिकॉर्ड तो पेज ब्लॉक के पास आ गए, लेकिन पेज ब्लॉक क्या करेगा, उसको एक 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 डिस्प्ले करेगा, एक 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 सिंगल सिंगल। तो ये लिस्ट ACC के पास कितने रिकॉर्ड से, 25 रिकॉर्ड से एज्यूम करते हैं। तो बाद में अपन ने क्या किया, वेयर ACC लिखा अपन ने, वेयर ACC। ओके, आपको बताऊं मैं क्या करते थे हम लोग, हमको याद आता होगा, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये काम करते थे फॉर के अंदर, ऑब्जेक्ट बनाया हमने। फॉर के अंदर करते थे हम लोग, वेट अ मिनट, फॉर के अंदर यूज करते थे अपन, याद आता होगा तो, याद है क्या आपको, आ रहा है अभी समझ में, समझा क्या क्या कर रहे यस थे, सर, यही यस सर। काम कर रहे हैं। ये लिस्ट ACC के पास 25 लोगों का रिकॉर्ड आया, बाद में क्या किया उन्होंने, उसने उस 25 में से एक रिकॉर्ड ए के पास दिया, और उसके बाद अपन उसको क्या करेंगे, उसको प्रॉपर वे से डिस्प्ले करेंगे, यस और नो। ओके, अब सेम काम यही पे कर रहे हैं हम लोग। देखो पहले क्या किया, रिकॉर्ड सेट वेयर ने 25 रिकॉर्ड लिस्ट ACC के पास दे दिया, इतना क्लियर हो गया आपको। बाद में वो लिस्ट ACC के पास 25 रिकॉर्ड वो पेज ब्लॉक टेबल के पास दे दिया, मतलब ये टेबल के पास दे दिया। अब 25 रिकॉर्ड आ गया, अब उसमें से एक एक रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले करना है, तो वेयर के पास क्या करेंगे, 25 में से एक रिकॉर्ड ACC के पास आ जाएगा। समझ में आया क्या आपको, बताओ। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए एज्यूम करो ये रिकॉर्ड है ना, ये रिकॉर्ड, ये पूरे 25 कितने रिकॉर्ड है, देखो यहाँ पे कितने रिकॉर्ड है, 17 रिकॉर्ड है ना, तो ये 17 रिकॉर्ड किसके पास आ जाएंगे आपके, ये भाई साहब के पास आ जाएंगे, ये देखो रिकॉर्ड सेट के पास 17 रिकॉर्ड आ जाएंगे, वो बाद में टेबल के पास दे देंगे। अब टेबल में से क्या करेगा, अब ये पहला रिकॉर्ड है मेरा, इतना कोई, ये पहला रिकॉर्ड है, फर्स्ट रिकॉर्ड, ये फर्स्ट रिकॉर्ड क्या करेगा, उसमें से उठाएगा वो, ओके, और वो रिकॉर्ड किसके पास देंगे, वैर के पास, ACC के पास, इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ, यस सर, समझा, क्लियर हुआ सभी को। ओके, हाँ एक एक जाएगा, अब यहाँ पे 17 रिकॉर्ड आ गए पहले, अब इस 17 में से पहला रिकॉर्ड इसके पास जाएगा, आपका गया इसके पास, और इसके बाद क्या करेंगे, रिकॉर्ड गया, ओके, मतलब पहला रिकॉर्ड जो था ना आपका, ये वाला रिकॉर्ड देखिए, दिख रहा है आपको ये रिकॉर्ड, दिख रहा है आपको ये रिकॉर्ड, चला गया उसके पास पूरा रिकॉर्ड, इसके अंदर जितने फील्ड है सब फील्ड चले जाएंगे उसके पास, इसके पास ये वेयर के पास आ जाएगा, इतना क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताओ। अब आ गया, अब मुझे क्या क्या डिस्प्ले करना है, तो उसमें देखो ACC डॉट नेम, तो वो पहले रिकॉर्ड का ACC डॉट नेम ले लेगा, उसका रेटिंग ले लेगा, उसका इंडस्ट्री ले लेगा, उसका ACC ओनरशिप लेगा, उसका ACC क्या लेगा, सेट ले लेगा, और इसको ये रो में डाल देगा, देखना है अपने को, वो भी देख लेते हैं हम लोग। ओके, चलिए जाते हैं हम लोग, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है पहला रिकॉर्ड, दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी पहला रिकॉर्ड वही छे, हो गया आपका, समझ में आ गया आपको। अभी क्या करेगा वो, यस क्लियर हो गया क्या मुझे बताइए, हो गया, मैंने डाल दिया यस अपन ने, यस। बाद में वो क्या किया, अब वेयर क्या करेगा, एक रिकॉर्ड गया तो इसके पास कितने बचे, 16 रिकॉर्ड बचे, तो ये वेयर क्या करेगा, उसमें से वापस एक रिकॉर्ड दे देगा, अभी समझ में आ रहा है आपको, बचे कितने, 15, और ये अभी रिकॉर्ड आ गया है, कौन सा रिकॉर्ड आ जाएगा आपको ये भी बता देता हूँ मैं आपको, ये रिकॉर्ड आ जाएगा आपका सेकंड नंबर का रिकॉर्ड आ जाएगा आपका। ओके, अब ये सेकंड नंबर का रिकॉर्ड आ गया इसके पास, आ गया ये, आ गया रिकॉर्ड इसके पास, अब उसको डिस्प्ले कर देगा सेकंड नंबर के, तो ये सेकंड रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा, आपको चेक करना है, चेक कर लो आप लोग, देखो यहाँ पे कौन सा सेकंड रिकॉर्ड, ये है ना, यहाँ पे भी चेक करो, सेकंड रिकॉर्ड वही है आपका। तो इस तरह से वो क्या करेगा, एक 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 रिकॉर्ड लेते जाएगा भाई साहब अपना, ओके, वेयर उसको डिस्प्ले करेगा। अब समझ में आ गया क्या पूरा, मुझे कोड बताइए, आप समझा, क्लियर हो गया आपको, एनी डाउट, सॉरी नहीं समझा क्या रे, किसको नहीं समझा, ओके नो वेरी सर, गुड, नो डाउट। चलो वेरी गुड, सेम सेम सेम, लिखने का तरीका अलग है, लेकिन ज्यादा दिमाग लगाना मत, ओके, जितना पढ़ा रहा उतना, और जो क्वेश्चन दूंगा उसको लर्न कर लेने का, बस खत्म हो गया। बाकी बॉयज लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे गायब हो गए लोग, शिवाली नहीं यस सर, दिख रही आज, रूपम, रोहन, राहुल, प्रियंका, सबको समझ में आ रहा है ना, ओके वेरी गुड, चलिए हम लोग जाते हैं हम लोग यहाँ पे।
अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बनाते हैं। अब चलो सिंपल वाला बना देते हैं, एक फट से नया बना देते हैं। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? अभी हम लोग बनाएंगे एक, हम लोग बनाते हैं किसका बनाते हैं हम लोग बताओ मुझे, स्टूडेंट का बनाते हैं अपन। चलिए देखते हैं हम लोग, चलो अपन नेक्स्ट बना लेते हैं इसको, डुप्लीकेट में जा देते हैं हम लोग, डुप्लीकेट में फास्ट में बनाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा फास्ट में बनाएंगे हम लोग। चलिए अपन जाते हैं इसको, एपेक्स। ओके, हम लोग भी कांटेक्ट का बनाते हैं थोड़ा सा, कांटेक्ट में बताता हूँ मैं, कांटेक्ट के थ्रू अपन कांटेक्ट और चाइल्ड दोनों भी बनाएंगे हम लोग। ओके, दोनों का रिकॉर्ड देखते हैं हम लोग पेज में, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कांटेक्ट पेज लेआउट, इसको क्लिक करते हैं हम लोग। आ गया आपका ये कांटेक्ट पेज लेआउट, पहले से बनाए हैं शायद। ओके, इसको अपन नाम दे दे पेज टेबल, टेबल बना देते हैं अपन, पेज टेबल। ओके, टी कैपिटल देते हैं हम लोग। चलो फास्ट बनाते हैं हम लोग पेज टेबल। ओके, कॉन्टैक्ट अकाउंट, मतलब यहाँ से समझ में आ जाएगा कॉन्टैक्ट अकाउंट दोनों का बनाएंगे हम लोग। चलो एंटर करते हैं हम लोग, चलिए फास्ट क्लियर करेंगे हम लोग। चलिए इसको निकाल देते हैं हम लोग, डिलीट इट। तो मैं पहले ये लाइन उठा लूँ, चलेगा? एक एक लाइन उठा के मैं अभी समझा देता हूँ आपको। अब ये अपन ये लाइन उठा लेंगे यहाँ से, कंट्रोल सी, और वो लाइन यहाँ पे डाल देंगे, कंट्रोल वी। ओके, और यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, कॉन्टैक्ट, इतना क्लियर हो गया आपको? और यहाँ पे लिख लेता हूँ, कंफ्यूज हो रहे होंगे तो यहाँ पे लिस्ट की जगह पे खुद का भी नाम लिख सकते हैं, निखिल, कोई जरूरत नहीं किसी का ये करने के लिए। समझ में आ रहा है कि आपको? निखिल कौन लिख लेते हैं हम लोग, क्लियर हो गया आपको? मतलब नेम कन्वेंशन ऐसा नहीं है कि आपको लिस्ट ही लेना है, आपको कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, चलेगा? कंट्रोल एस कर दो, एरर नहीं आ रही है, मतलब बराबर है अपना, क्लियर हो गया अपन? लेकिन स्टैंडर्ड क्या बोलता है, हम जो लिखते हैं वो उसके रिलेटेड होना चाहिए, इसलिए। क्लियर हो गया आपको? चलो बना दिया हमने। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको उठाते हैं, ये तीन चीजें को उठा लेते हैं हम लोग, कंट्रोल सी। ओके, चलिए इसको पूरा उठा लेते हैं हम लोग, चलेगा क्या? यहाँ तक का कंट्रोल सी डाल देते हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, ध्यान दीजिएगा। एंटर कर देते हैं हम लोग, टैग कर देते हैं, कंट्रोल भी कर देते हैं। चलो आ गया आपका यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम लोग। ओके, कॉन्टैक्ट ले लिया, तो यहाँ पे अपन क्या देंगे, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, इतना कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे अपन दे सकते हैं कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट एंड अकाउंट रिकॉर्ड, में बताऊंगा इसका मतलब क्या रहेगा। तो ओके, यहाँ पे कॉन्टैक्ट ही देते, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले कॉन्टैक्ट एंड अकाउंट रिकॉर्ड टेबल देते हैं हम लोग। तो अभी यहाँ पे क्या नाम लिखा है, लिस्ट कौन, तो ये नाम उठाएंगे, क्योंकि अभी अपने को किसको घुमाना है टेबल के अंदर, तो पेज ब्लॉक क्या करेगा, टेबल बनाएगा। तो अभी अपने को कॉन्टैक्ट का बनाना है, तो अपन यहाँ से यहाँ लेके आएंगे। अब समझ में आ गया आपको? ओके, और यहाँ पे लिख लेंगे नाम कौन, एक एक डेटा लेके आएंगे, इतना क्लियर हो गया आपको? अब देखो पहला डेटा, जैसे एग्जाम्पल तौर पे अपन देखते हैं, ये कॉन्टैक्ट में जाते हैं हम लोग, ये बने ना आप लोगों की, इसको ऑल कर दो बरा, ऑल कॉन्टैक्ट, ये देखो इतने कॉन्टैक्ट है इसके पास, है ना, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि आपको, ये कॉन्टैक्ट है। अब ये रिकॉर्ड मुझे इसके अंदर आने चाहिए, ओके, कहा गया इसके अंदर आने चाहिए, तो पूरे रिकॉर्ड इसके पास आ जाएंगे, जितने दिख रहे हैं ना 25-30 रिकॉर्ड, ये इसके पास आएंगे। अब वो 25-30 एक साथ डिस्प्ले करेगा, उसमें से एक रिकॉर्ड लेगा कौन के पास, यस और नो, और वो डिस्प्ले करेगा कौन, CON, कौन। फिर गया आपको नेम, उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड करते हैं कौन, अपन यहाँ पे फोन दे देते हैं, CHONE फोन, फिर गया कौन दे देते हैं अपन, CON जो है। उसके बाद अपन देख लेते हैं क्या क्या है, तो उसका क्या आएगा, टाइटल है, ईमेल है। ओके, चलो जाते हैं हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं टाइटल, यहाँ पे अपन दे देते ईमेल,
अब मुझे नहीं पता इसके नाम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट मैनेजर के पास जाना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट के पास जाना पड़ेगा, क्लियर, ये कॉन्टैक्ट के पास जाना पड़ेगा, मुझे फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। क्या नाम चेक करना पड़ेगा अपने को, देखिए अकाउंट ध्यान दो रे, कोई भी एक ले लेते अपन, कुछ भी नहीं, कहाँ पे मिलिंग एड्रेस, चलो ये चलो ले लेते कंट्रोल सी, ये पूछा जाता है बहुत बार मिलिंग एड्रेस, यहाँ पे देते ईमेल का नाम देख रहे हैं ना, ईमेल का क्या है, तो समझ में आ गया क्या मैं क्या कर रहा हूं, तो ईमेल 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 ईमेल, ये ईमेल ही है, वेरी गुड, चलो हो गया आपका, ये बन गया, इज इट क्लियर। और कुछ चेंज है क्या, यहाँ पे कौन, यहाँ पे भी कौन कौन कौन, अब समझ में आ गया फ्लो, कर सकते हैं आप लोग, कोई चेंज नहीं ना, कंट्रोल एस, मेलिंग एड्रेस क्या बोल रहा है यहाँ पे, कहीं तो भी गलत है मेलिंग एड्रेस का, देखते चलो देखते अपन मेलिंग एड्रेस क्या है, तो मेलिंग एड्रेस लेना नहीं होगा, चलो किसी और को ले लेते अपन, पर वो अकाउंट डालना पड़ेगा ना सर, अकाउंट पर नहीं नहीं रुको ना, अपन करते ना उसको चेंज चेंज, ये रही है प्रेस करते हम लोग, आ गया आपका, देखिए पूरे रिकॉर्ड आ गए, जो रिकॉर्ड दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे, पहला रिकॉर्ड ये है, दूसरा ये है, देखो वहाँ पे भी फर्स्ट रिकॉर्ड वो ये, दूसरा रिकॉर्ड दिख रहा है आपको, इज इट क्लियर और नॉट जस्ट टेल मी। अब मुझे अभी 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 मुझे क्या करना है, ध्यान दो, अभी मुझे क्या करना है, कॉन्टेक्ट का भी रिकॉर्ड आना चाहिए उसके अंदर, समझ में आ रहा, अकाउंट का भी रिकॉर्ड आना चाहिए। अभी मुझे अकाउंट भी डालना है इसके अंदर, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, मैं कंट्रोल सी, इसकी बाद में डालता हूँ यहाँ पे कंट्रोल वी, यहाँ पे मुझे डालना है अकाउंट आईडी, यही नाम है उसका, कंट्रोल एस करते हम लोग, देखो यहाँ पे आ रहा है अकाउंट आईडी, मतलब ये कॉन्टेक्ट क्या रहेगा, चाइल्ड रहेगा, अरे यस और नो रहेगा ना, यस चाइल्ड सर। रहेगा ना, तो उसका देखिए चाइल्ड रहेगा तो उसका पेरेंट कौन है ये दिखाएगा, ये समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे इस तरह से अपन इसको लेके आ सकते हैं, इज इट क्लियर, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी कर सकते हैं, अरे क्लियर हुआ क्या आपको। यस सर। अभी मुझे मुझे और एक इसमें और मॉडिफाइड कर देता हूँ मैं, कंट्रोल सी, देखो रे अभी क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या पूछा जाता है वो आपका लुकआउट है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ ये, मैं तो इतना कोई जनरली बताते नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं देता हूँ डॉट, अभी हम लोग देखते हैं, हेलो आवाज आ रहा है मेरा, यस सर। यस सर। अकाउंट डॉट यहाँ पे रेटिंग देते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ क्या, क्या समझ में आ रहा है कि आपको क्या कर रहा हूँ, तो यस सर। यस सर। खुशाली, खुशाली नहीं कृतिका, समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो यस सर। क्या कर रहा हूँ बताओ मुझे, सर ये अपने अकाउंट के जो फील्ड है वो अपन डाल दें। कॉन्टैक्ट के अकाउंट के फील्ड, समझ में आ रहा है आपको, कंट्रोल कॉन्टैक्ट। यस, समझ यस सर। में आ गया, देखो आप लोग लिख रहे हैं, आपको देखिए क्या है, तो ये कॉन्टैक्ट है, क्या है चाइल्ड है, उसका पेरेंट कौन है, यूनाइटेड ऑयल है, समझ में आ रहा है आपको, और वो पेरेंट का रेटिंग क्या है, हॉट है, और उसका ओनरशिप क्या है, पब्लिक है, देखना है आप लोगों को, जाके देख लीजिए आप, अकाउंट के अंदर जाइए, ऑयल एंड प्रोडक्ट में जाइए आप लोग, होगा यहाँ पे तो ऑल अकाउंट में कौन सा था, देखिए इसका
वेट ए मिनट, क्या है सेकंड का? ऑयल, यूनाइटेड ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन। देखो यहाँ पे यूनाइटेड ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन कहाँ पे है? यू नीचे होगा ना, ये दिख रहा है गैस कॉरपोरेशन, इसको क्लिक करेंगे, वही छे ना, लेकिन क्लिक करेंगे, सर। इसके डिटेल में जाएंगे, इसका रेटिंग देखते हैं हॉट है क्या। देखो दिख रहा है आपको, यस। तो इस तरह से अपन डेटा कहीं से भी लेके आ सकते हैं। क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताइए, एनी डाउट? ओके, समझा समझा क्या? ओके, तो यस सर ये हो गया आपका एक। अभी मुझे एक वापस से अपन एक कर देते, छोटा सा कोडिंग चलेगा आपको। अब अपन क्या करेंगे, स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेके आते हैं, ट्राई तो करते अपन। और आपको एक होमवर्क देता हूँ, ये स्टाफ और स्टूडेंट के बीच में लुकअप रिलेशनशिप लगाना, ओके, यस और नो, और दोनों का रिकॉर्ड रीड होता है क्या, वो चेक करना। कर सकते हैं हम लोग, ट्राई तो करिए, नहीं आता है तो देखेंगे बाद में क्या होता है। तो चलिए एक छोटा सा पर्चे फास्ट में बना लेते हैं हम लोग, और फुकर का टाइम गया अपना एक्स्ट्रा। महेश, समझ में आ रहा है क्या आपको? कोमल, यस सर यस यस स्टूडेंट, सर हाँ, रिलेशनशिप होगा तो ही, नहीं तो नहीं लेंगे मैम। ओके, स्टूडेंट बीच टेबल डिम, मैं ये आपको भेज दूंगा। ओके, गैप नहीं चाहिए। हाँ, इंटर करते हैं हम लोग। पहले से बना था, वेरी गुड। चलिए अपन क्या करेंगे, भाई साहब को उठा लेते, कॉपी पेस्ट कर लेते, चलेगा? चेंज कर देंगे एक बार, कंट्रोल सी। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सभी वर्क हो सकता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कंट्रोल वी, यहाँ पे अपन क्या देंगे नाम, स्टूडेंट अंडरस्कोर, मुझे पता है इसलिए स्टूडेंट नहीं, पढ़ने डिपार्टमेंट डिटेल डिटेल्स डिटेल सिर्फ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, ये रहेगा आपका। इतना क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे एसटीडी दे देते हैं, यहाँ पे हम लोग दे देंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड, उसके बाद यहाँ पे भी दे देंगे। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? और यहाँ पे अपन देंगे, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे अपन देंगे। क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए? ओके, बाद में हम लोग यहाँ पे लेंगे स्टूडेंट। ओके, अब मुझे पता है यहाँ पे अपने को नहीं जमेगा, तो यहाँ पे उठा लेना फर्स्ट नेम, कंट्रोल सी, लेके जाओ यहाँ पे। ओके, डाल दीजिए यहाँ पे भी। स्टूडेंट, ओके, यहाँ पे अपन दे देंगे मिडल नेम। क्लियर हो रहा है क्या, मैं क्या कर रहा हूं तो? ओके, यस कंट्रोल। टाइम स्पेंड करोगे तो डर निकल जाएगा आपका, कल और उससे भी टेक्निकली स्ट्रांग रहेगा, कल सबसे टफेस्ट रहेगा, आपको डर लगेगा थोड़ा सा, लेकिन प्रैक्टिस करो, बहुत इजी है। ओके, यहाँ पे अपन लास्ट नेम दे देते हैं, अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। ओके, तीन ही दे देते हैं हम लोग, एक चौथा बचा हुआ तो डाल लेते हैं, मोबाइल नंबर डाल देते हैं, कन्वेंस कुछ समझ में आ गया ना, वो मेन रहता है। कंट्रोल वी, यहाँ पे अपन दे देते हैं। ओके, उसके बाद एक ले लेते हैं अपन ईमेल आईडी, कंट्रोल सी, क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए? कल इसी को मॉडिफाइड करेंगे हम लोग, हाँ, प्रैक्टिस करो आप लोग। डिलीट, कंट्रोल एस, चलो देखते हैं एरर है क्या कोई। अरे एक आगे एरर क्या है, मोबाइल
अंडरस्कोर नंबर अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी आना तो चाहिए यार, गलती क्यों दे रहा है वो, देखते हैं अपन। कंट्रोल एक्स गया आपका, दिख रहा है फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी, यस और नो? आ रहा है क्या? लेकिन ये क्यों मोबाइल नंबर का क्यों नहीं दिया उसने, क्यों एरर दे रहा है वो? कंट्रोल सी, चलिए जाते हैं। अब क्लियर हो गया ना आपको, आप देख लेना कुछ होगा, मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, अब समझ में आ गया कि ले सकते हैं ले सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि आपको मुझे बताओ, तो अभी अपन क्लियर हो गया आपको, तो कल अपन क्या करेंगे, चलो अभी अपन ने क्या कर रहे, डिस्प्ले कर रहे सिर्फ, अभी इसके लिए कोडिंग लिखेंगे, कोडिंग समझ में आ रहा है, कल अपन कोडिंग पढ़ेंगे, तो थोड़ा टफ पार्ट है, इसकी प्रैक्टिस करो आप लोग। और कोडिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर इमेज भी डालेंगे अपन, इमेज लाएंगे अपन, क्लियर हो गया आपको? बाद में अपने पास एक पेज से दूसरे पेज में जाएंगे हम लोग, क्लियर हो गया आपको? ये करेंगे और सैटरडे को अपन इसका एंड कर देंगे, समझ में आ गया आपको? और आपको छुट्टी दे देंगे संडे, मंडे को अपन फ्रेश में ट्रिगर चालू करेंगे, समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए, यस सर, ओके? चलिए तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, किसी को कुछ तकलीफ होंगी तो जस्ट टेल मी, बताइए किसी को तकलीफ है क्या यहाँ पे? अरे यार ये क्या लड़के चले जाते हैं यार, कौन नहीं है लड़के, 16 लड़के थे यहाँ पे और यार चले जाते हैं यहाँ पे, अदिति खुद चली गई यहाँ पे। चलो जान दीजिएगा, समझ में आ गया आपको यहाँ पे? ओके, ये तो भी बैच वाले पूरा थे, ये भी चले गए, गायब हो गए। चलो समझ में आ गया लीना मैम, सब किसी को कुछ तकलीफ? हीना मैम समझ में आ गया आपको? अपूर्वा, अपूर्वा बेटा समझ में आ गया आपको? ओके, लेकिन समझ में आ गया ना आपको वो? अभी देखो मैं क्लियर बता देता हूँ, तुमने ये तुम्हारे दिमाग में रखे ना, तो तुम कभी जिंदगी में सेल्फ फोर्स में जा नहीं सकती हो, पहले बता रहा हूँ। तो तुमको तकलीफ जा रही है ना बैकग्राउंड लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, आपको नहीं क्या, एक संडे के दिन असाइनमेंट देता हूँ, क्लासेस है ना ऑब्जेक्ट का, उसको ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, ओके? तो उसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं रहेगी, जो कंप्यूटर वाले पढ़ते हैं ना वही तुम भी पढ़ोगे, कोई लोड मत लीजिए, और मैं SOQL के भी आपको दे दूंगा, चलेगा? ओके, तो कल देखते हैं हम लोग बाकी का, चलो बाय बाय। ओके ओके, बाय बाय, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट। हाँ भेज रहा हूँ ना मैं, वो परसों के दिन गलती हो गई थी, चलो बाय।